ज्वालियो मंडल के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरा में अग्निकांड से करीबन 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरा के कमरों में लोगों ने धुआं निकलते देखा और पास जाकर पाया कि कमरे में आग लगी हुई है। इसकी सूचना तुरंत पंचायत प्रधान प्रेम सिंह को दी और उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल रमेश चंद को सूचित किया। इसके साथ ही प्रिंसिपल रमेश चंद मौका पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग व ज्वाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर कमरों के शीशे टूटे हुए थे, सभी अलमारियां खुली थी और सारा रिकॉर्ड भी खुर्द-बुर्द किया हुआ था, जो कि आगजनी की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ज्वाली की टीम वाहन को लेकर मौका पर पहुंची और आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इसके साथ ही पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई है। इस आगजनी की घटना में स्कूल का कंप्यूटर, फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य दस्तावेज जलकर राख हो गए। प्रथम दृष्टया ये शरारती तत्वों या अज्ञात चोरों द्वारा ऐसा किया हुआ लग रहा है। उधर मामले में पुलिस जांच में जुटी है। फायर सर्विस ज्वाली से आए हैं और हमारे को जैसे अग्निकांड का पता चला हम तुरंत यहाँ पे पहुँचे। स्कूल में बताया जा रहा है कि आग लगी हुई थी और किसी ने लगाई हुई है और चोरी की हुई है। टैंकियाँ टूंकियाँ पानी की सारी हैं वो फाड़ दी गई हैं। तो जब आप पहुँचे जहाँ पर आग लगी हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लगी हुई थी। मैं ड्राइवर हूँ वैसे तो। ठीक, ये मुझे ऐसा लगता है, पता है कि ये किसी शारीरिक तत्व का हाथ है और जो स्कूल का नुकसान जो हुआ है वो भी लगभग 3-4 लाख के आसपास नुकसान हुआ है हमारा, तो सारी तत्वों की ये चार्ज लगती है मेरे शरीर में। तो जहाँ पर हमने कुछ पीछे देखा कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह फेंके गए हैं, हाँ जी, और ये घटना कब की घटित है और किसने देखा सबसे पहले, कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में मुझे जो हमने स्कूल में जो ऐसे अपने पीटी फंड से जो चौकीदार रखा हुआ है उसने मुझे फोन किया कि स्कूल में ऐसे आग लगी हो, जल्दी आइए आप। तो उसके तुरंत बाद मैं पहुंचा और घटना को देखा। जी, धन्यवाद।